नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। कुछ जो है लेटर जारी हुए हैं, आपको बता दें। सबसे पहला आपको हम इस शासनादेश दिखा रहे हैं। महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। इनकी ओर से जो है बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार निदेशक को कुछ भेजा गया है, इसके बारे में जान लेते। कुछ का मतलब ये है कि आपको बता दें धनराशि स्वीकृत संबंधी यह खबर है और 31 मार्च का ये लेटर है। आपको बता दें अनुदान संख्या 49 का जिक्र किया गया है और इसी के साथ जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन करने के मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य में जो है पुनर्वियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था। आइए जान लेते पूरा इसमें मतलब क्या है। दरअसल आपको बता दें 23 मार्च 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के लेखा शीर्षक 42 जो है 35 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कर, पूंजीगत परिव्यय 2 समाज कल्याण, 102 बाल कल्याण, 1 यानी कि जो योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही है, आंगनबाड़ी विभाग के माध्यम से चल रही है, अलग अलग जो योजनाएं होती है उसमें जो है पैसा खर्च होता है उसकी जो है स्वीकृति आपको बता दें धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। योजनाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन के लिए केंद्र का 60% दिया जाता है, राज्य का 40%, मानक मद 25, लघु निर्माण कार्य में 1216.37 लाख एवं नवासी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत जो है राज्यांश 89.27 आंगनबाड़ी केंद्रों के मानक मद 25, लघु निर्माण कार्य में जो है 810.91 लाख अर्थात कुल जो है 20 करोड़ 27 लाख 28 हजार मात्र जो है इस तरीके की आपको बता दें वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा दे दी गई है। जो योजनाएं हैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ, जो योजनाएं हैं उसमें जो पैसा नहीं होगा तो वो योजना सफल नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए जो है इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृति जब मिल जाती है तो बजट आ जाता है, तो कोई भी योजना जो है आपको बता दें सफल संपन्न होती रहती है। उसी संबंध में लेटर हम आपको बता रहे हैं। नियम बसरते सभी जो है आपको बता दें धनराशि में खर्च करने की एक ही जैसी होती है, फिर भी हम कुछ एक दो कॉलम आपको बता देते हैं इसमें जो है लिखा तो इसमें बहुत कुछ है लंबा चौड़ा, लेकिन मैन जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो उक्त धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित जो है लक्ष्य प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें लिखा है आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर पूंजीगत परिवहन, समाज कल्याण, बाल कल्याण। जैसे बच्चों के लिए कोई योजना आ रही है, ठीक है, उसके लिए स्वीकृति मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए आपको बता दें जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र टूटा या फिर कोई भी समस्या है उसमें, तो उसके लिए आपको बता दें जब तक बजट नहीं होगा तब तक जो जाहिर सी बात है जनपदों में पैसा नहीं आएगा तो आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो पैसा आ चुका है, बजट को जो है आपको बता दें पैसे को जो है आपको बता दें स्वीकृत कर दिया गया, धनराशि की व्यवस्था हो गई है, उसी संबंध में लेटर जारी हुआ है। धनराशि कैसे खर्च किया जाएगा उसके नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्वीकृत धनराशि का व्यय जो है प्रश्नगत निर्माण कार्य यानी कि जो योजना जिसके लिए पैसा जारी हुआ है वो पैसा वहीं खर्च किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं पर भी खर्च कर ले, ठीक है। निर्धारित जो प्रारूप तय किया गया उसी के अनुसार पैसा खर्च हुआ, ये सब लिखा हुआ है इसमें। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्रावधान के सापेक्ष अब से धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। इसी के साथ ही 11, 12, 13, 14, 15, 19 इसमें तो बहुत सारे नियम लिखे, 22 यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं। अंतिम बाला हम जान लेते हैं क्या लिखा है इसमें। उक्त स्वीकृति निदेशक ICDS द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अपरिहार्यता के दृष्टिगत निर्गत की जा रही, यदि प्रकरण के संबंध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक ICDS का होगा। तो समझिए इस बात को यहाँ पर ये भी लिख दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी ICDS के डायरेक्टर इनकी होगी, इसमें लिखा हुआ है। इस संबंध में होने वाला व्यय जो है 12,16,37,000 मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में अनुदान संख्या 49 लेखा शीर्षक दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन मानक मद 25, लघु निर्माण कार्य 8,10,51,000 को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में अनुदान संख्या 49 लेखा शीर्षक, आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन मानक मद, यानी कि अलग अलग जो है किस तरीके से पैसा अलग अलग जो है आपको बता दें कार्यों के लिए जारी किया गया है इसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव है, इनकी ओर से लेटर जारी किया गया था। खबर बस इतनी सी ही है, जो कि सुबह वाला जिसने भी लाइव नहीं देखा है सुबह वाला लाइव देख लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ हमने बड़ा जो है बड़े मुद्दे पर बातचीत की है और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी दुखद खबर क्यों निकल कर आ रही है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।